पारडी थाना क्षेत्र में एक छात्रा को ऑनलाइन नौकरी दिलाने का झांसा देकर दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी का नाम पारडी निवासी विजय उर्फ संजय देवानंद भानारकर बताया गया। जानकारी के मुताबिक पीड़िता बीसीए डिग्री का कोर्स करती है। वह दूसरे शहर से पढ़ने के लिए सिटी आई। अपना खर्च निकालने के लिए संगीता नौकरी की तलाश कर रही थी। इसी दौरान फेसबुक पर संगीता की पहचान एक लड़की से हुई। खास बात यह है कि उक्त एफबी अकाउंट विजय द्वारा संचालित किया जा रहा था। यह बात संगीता को नहीं पता थी और वह लड़की समझकर चैट करती थी। आरोपी विजय ने संगीता को व्हाट्सएप के जरिए नौकरी दिलाने का झांसा दिया। भवानी नगर में कंप्यूटर सिखाने के बहाने बुलाया। वहां एक कमरे में ले जाकर संगीता से अश्लील हरकतें करने लगा। जैसे तैसे संगीता वहां से निकली और सीधे पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। मामला दर्ज करते ही पुलिस ने गुप्त तरीके से विजय की जांच की। उसके सोशल मीडिया अकाउंट, मोबाइल नंबर के सीडीओ और व्हाट्सएप अकाउंट का चेक कर जाँच करने पर उसे गिरफ्तार किया। जाँच में पता चला कि वह फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए ज़रूरतमंद युवतियों को ऑफलाइन और ऑनलाइन नौकरी दिलाने का झांसा देता है, फिर उन्हें अकेले में बुलाकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाता था। जांच के दौरान पुलिस को संदेह है कि विजय अब तक 4 से 5 युवतियों के साथ ऐसा कर चुका है। विजय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 12 मार्च तक PCR में भेज दिया गया। महाराष्ट्र TV24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस, इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस। कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे, दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स, सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3,050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2,000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जगन्नाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर।